गाइस खुशी खुशी खुशी। वो सबसे पहले तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और खुशी पता है क्यों है नंता? क्यों है बताओ बताओ? प्रोटीन का डब्बा मिलेगा। मेरा बर्थडे आ रहा है और हम लोग आ चुके हैं हेल्थ कार्ड। भाई मैं बोलता हूँ ना, ऐसी लड़की सबको मिले भाई। जैसी थैंक यू नंता, खुशी नहीं बता सकता मैं। यार एक बात बताओ, मजाक नहीं, बर्थडे है ठीक है? बर्थडे मैंने इसको, तेरे को बर्थडे पे गिफ्ट किया? हाँ तो मैंने तुझे गिफ्ट किया। हाँ मेरे को इसने बर्थडे पे गिफ्ट किया। देना कि नहीं देना है बर्थडे गिफ्ट? चल ना फिर, बर्थडे गिफ्ट मिल रहा है। हम लोग आ गए हेल्थ कार्ड के शोरूम पे ठीक है। तो ये मेरे को एक चीज बोली थी, ऐसे बात करते हैं। नंता मेरे को कहती है यार आपको बर्थडे गिफ्ट देना है। मैंने कहा यार बर्थडे गिफ्ट क्या देना है, 10 तारीख को बर्थडे है, 11 को हमारी एंगेजमेंट है, उस टाइम एक साथ ही कर लें, कोई बात नहीं। मैं कहा दे बर्थडे गिफ्ट वगैरह। कहती नहीं नहीं देना है, मैंने एक चीज दे देनी है, कुछ ना कुछ लेके देना है मैंने आपको ठीक है। मैं कहा ठीक है फिर। मैं कहती शूज वगैरह ले लो, कुछ ले लो। मैं कहा शूज नहीं, मैं कहा प्रोटीन, हम लेंगे प्रोटीन, क्योंकि मेरा प्रोटीन खत्म हो गया है। चलो गाइस चलते हैं, ब्लॉग की शुरुआत ना इसके साथ हो रही है। नंता शादी है वहाँ पे, बारात आई हुई है यार। मतलब जब से फिर से जिम ज्वाइन किया हुआ है ना, प्रोटीन शॉप में आके ऐसा होता है कि भाई सारे प्रोटीन ही ले लो। मतलब घर में होना चाहिए मेरे पास ऐसा ना, ऐसे सब लाइन पे लगे होने चाहिए, टेंशन फ्री बंदा फिर टेंशन फ्री रहता है। बाकी नंता ने बर्थडे गिफ्ट दे दिया है। नंता थैंक यू सो मच। ये देख रहे हो इसके अंदर क्या क्या है, दिखाऊं? इसके अंदर अपना एक तो मसल बेस का मैंने वे प्रोटीन ले लिया है, पिंटोला का पीनट बटर, पीनट बटर भी खत्म हो गया था। और साथ में अच्छा ये साथ में ही ये कॉम्प्लीमेंट्री गाइस, कॉम्प्लीमेंट्री शेकर मिल गया है, थैंक यू सो मच। बाकी अभी ये लेते हैं, चलते हैं और फिर फोकस करते हैं थोड़ा बॉडी पे। बाकी चीजें नंतन गिफ्ट कर दी थी, लेकिन मेरा ना प्री भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आई थिंक मेरे को 2-3 स्कूप बचे उसमें, तो वो भी ले ही लेता हूँ। मेरा ऐसा बोलना होता था पहले पहले, भाई शादी एंगेजमेंट शॉपिंग कैसे कर लेंगे हम लोग, लड़के तो कर लेंगे लेकिन लड़कियों को मुश्किल होता भाई। तब से भाग रहे हैं हम ना 22 की मार्केट में भटक रहे पिछले 1.5 घंटे से, लेकर 1.5 बज गए। और हुआ क्या, पानी खत्म किए जा रहे, पानी खत्म किए जा रहे हम लोग, पसीने पसीने हो गए बुरे हाल से। और टैनिंग नंता कहाँ, हम लोग इस टाइम साफ सुथरा होना चाहिए, कहाँ हम लोग बुरे हाल में पड़े हमारे भाई, टैनिंग टैनिंग से भर गए। चलो ले लेते अब, इसके बाद कहाँ चलना, मिठाई वाली दुकान में। चलो चलिए जी, एक काम से हम लोग फ्री हो गए, जो कि था पैकिंग वाला काम, पैकिंग कर दिया हम लोगों ने। अब इसमें और भी सामान डालना है घर जाके, क्योंकि अभी आधा सामान पहुंचा ही नहीं है। ये देखो पैकिंग कर दिया हमने कुछ इस तरह से। वैसे हम कुछ और पैकिंग ढूंढ रहे थे लेकिन हमको मिली नहीं। फिर ये पर्पल पर्पल है ना, साड़ी भी पर्पल कलर की, बाकी चीज़ें भी पर्पल है, तो वही कॉम्बिनेशन किया हुआ हमने। और गाड़ी फुल हो रही है भाई, अभी आधा सामान तो हमारा हमने कहीं और रखा हुआ है। हम तो कैसे करेंगे गाइस, देखो क्या कराया जा रहा है, कार्ड्स प्रिंट कराए जा रहे हैं, वहाँ पे डिजाइन बन रहा है। काफी देर से नंता गई हुई थी मैडम सामान लेने, ये देखो क्या क्या लेके आ गई है। क्या है? बैंगल्स। बैंगल्स लेके आ गई है बैंगल वाले के पास। वो लोग कहाँ गए सारे? वो लोग वो लोग अलग ही शॉपिंग कर रहे हैं, तब से सुबह से लेके हम लोग अलग शॉपिंग कर रहे हैं ठीक है, और वो लोग अलग शॉपिंग कर रहे हैं। और हमारी गाड़ी पूरी भरी हुई है पीछे देखो आज। अच्छा आपको बता देता हूँ उनको हम अपने साथ क्यों नहीं घुमा रहे आज, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है। पिछले कल तो अक्षु अकेली थी हमारे साथ ना, बट आज 3-3 लोग हैं वो ना, तो हमारे पास जगह नहीं है पीछे बिठाने की, इसीलिए वो अलग घूम रहे तब से अपना। हमने कहा सुबह से ही, हमने कहा हम अपना काम कर लेते हैं, तुम अपना काम करो। अभी कहाँ चलना है? 15 जाना है, हमने घर जाना है घर। गाइस काफी देर से लेके ब्लॉग नहीं किया हम लोगों ने, आके ना 15 सेक्टर आ गए थे हम लोग, और एडिटिंग कर रहा था तब से, ब्लॉग अपलोड करना था, 7 बजे ब्लॉग आता, 8 बजे अपलोड हुआ। बाकी अभी कुछ खाया नहीं तब से लेके ना, हेल्दी में मेरे को कॉर्न्स ही दिख रहे हैं यहाँ पे, स्वीट कॉर्न्स। थैंक यू जी, स्वीट कॉर्न्स। अभी ना हम लोग अपनी थोड़ी पूरी शॉपिंग करके नंता की कज़न के फ्लैट में पहुँच गया ठीक है। बाकी हम लोगों को वैसे कल सुबह मॉर्निंग में निकलना था घर को, क्योंकि ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह सकते हैं, ऊपर से अपने ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। 11th को फंक्शन है ठीक है, घर वाले भी बोल रहे जल्दी घर आ जाओ, नंता भी बोलती यार हेक्टिक हो रहा है बहुत ज़्यादा। प्लान तो ये था कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना था, लेकिन अभी काम हमारा हुआ नहीं है, जो मेन चीज़ें रह गई है 2-3 वो कल सुबह हम करेंगे। तो कल का जो प्लान है वो देखते हैं, कल ही आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमको खुद को नहीं पता अभी तक। बाकी काम करते हैं, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और आपको पता है अभी कि पड़ोसी ने सर तगड़े लेवल बहस हुई थी मेरी, चुपचाप अंदर घुस गया है, तो देखते हैं सुबह इससे भी बात करते हैं सुबह ठीक है। बाकी काम करते हैं, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करके मिलते हैं आपको कल के एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। जी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सुबह की शुरुआत, ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बोला था हम लोग जाने वाले आज मनाली, तो फाइनली हम लोग मनाली निकल रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक दो काम करने को है, वो कर लेते हैं। और नंता ना मेरे पीछे पड़ी हुई है, वो ना मेरा कुछ करवाना चाहती है, मतलब फेशियल टाइप ऐसा नहीं था, कहती नहीं नहीं करना है। मैं कहा यार लड़के थोड़ी नई चीज करते, मेरा वही कहना था, कहती मैनिक्योर पेडिक्योर, मैं कहा लड़के थोड़ी नई चीज करती, कहती किसने बोला यार, नेल्स मतलब नेल्स का काट के देते, बहुत चीजें करते, मेरे को नहीं पता, मैंने आज तक नहीं कराई है। तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। बाकी ब्लॉग की शुरुआत इसी के साथ करते हैं ठीक है। और आज हम मनाली निकलने वाले, एक दुकान हमारे क्या बचे हुए वो आपको दिखाते हैं हम लोग। आगे भी चलते हैं, गाड़ी लेके जा रहा हूँ, और अक्षु अभी हमारे साथ नहीं आ रही है, पहले नंता और मैं जा रहे हैं, उसको वापस उसको लेने के लिए आएंगे हम लोग। तो नंता भी आ गई। हाँ जी क्या कराने जा रहे हैं आज हम? आज हम जा रहे हैं लड़के भी कराते हैं, चलो देखते हैं। ये चीज़ शायद एंगेजमेंट और शादी से पहले करानी जरूरी होती है, आज हम भी करा के देख लेते हैं। एंगेजमेंट से पहले भी ऐसे भी करवा सकते
बाकी अभी चलते 15 की मार्केट में हम लोग ना, 15 में ही जाना है ना हमने, 15 में ही जाना है। गाड़ी लगाने की दिक्कत होती है यहाँ पे यार, बहुत ज्यादा होती है यार, मेरे को पता नहीं, मैं रहा हूँ यहाँ पे पहले। फाइनली फर्स्ट टाइम नंता, देखो कहाँ ले आएगी नंता, क्या है नंता, फर्स्ट टाइम मैंने क्यों पेडिक्योर कराने के लिए ले आई, और मसाजर लगा हुआ भाई, मसाजर भी लगा हुआ इसमें है। चलो ट्राई करते हैं, पाँव पूँ हाथ सब साफ हो जाएंगे, मतलब एंगेजमेंट रिंग राइट हैंड में पहनते हैं ना, राइट हैंड में पहनते हैं ना, ये पूरा साफ करना पड़ेगा यार। इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना, पीछे ना मसाजर चला हुआ है पीठ में, आहा। नेल्स भी हो गए बढ़िया करके, देखो ना राउंड में कर दिया नेल्स, अभी पता नहीं क्या क्या होगा, मेरे को तो पता ही नहीं, फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ मैं, बस पाँव डालने को बोला है यहाँ पे अंदर है ना, बस पाँव डालने को बोला है अंदर। तुम्हारा क्या हो रहा है हाथ में, ऐसे मुंडी हिला बस, बाकी कॉफी पी ली है थोड़ी देर और, आधा घंटा लगेगा इसमें भी। मैं तो फ्री हो गया हूँ, नंता को अभी कम से कम एक डेढ़ घंटा लगेगा मैनीक्योर पेडिक्योर करा लियो, तब तक अक्षय को लेके आ जाते हैं, बैग वगैरह भी डालने हैं, और गंदी गाड़ी लेके आए थे, गंदी गाड़ी ही हम लेके जाएंगे वापस, अक्षय को लेके आते यार, और बैग एडजस्ट करने पड़ने पीछे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारे साथ जो पिछले ग्रुप बहस कर रहा था, मतलब मैंने यहाँ लगाई थी गाड़ी, देखो ये सामने ना, और यहाँ से आया ये टाप के भाई लड़ने के लिए, इस घर में रहता है, हाउस नंबर है 3336, बेवकूफ कहेगा। और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डस्टर, देखो अच्छा क्या डस्टर लेके आया मैं, ये डिक्की ना बहुत बड़ी है भाई, पूरी पीछे तक देखो, पूरी पीछे तक पैक है, और तब भी इसमें सामान है, मतलब तब भी इसमें जगह है, अभी इसमें काफ़ी सामान आ सकता है हमारे पास ऊपर, मतलब हमने दो तीन बैग यहाँ पे रख दिए ठीक है, क्योंकि नंता आगे बैठेगी, अक्षु के लिए पूरी जगह है, यहाँ ऊपर भी हम सामान रख सकते हैं, डस्टर में ही चीज़ है, स्पेस तो बहुत है यार। नेल्स क्लीन किए उन लोगों ने ना, देखो कितने साफ हो गए, पहले जिसने मेरे नेल्स क्लीन किए ना उसने उतना सही नहीं किए थे, फिर से ये करवाया, यहाँ देखो ये देख रहे हो, और ये वाले देखो। बाकी हम अभी सैंडविच खा रहे हैं और साथ में शेक, शेक टेस्टी है। दोनों बहनों की रील स्टार्ट हो गई, देखो स्टोरीज ये। ढाई बज गए हमको, ढाई बजे ना हम लोग 15 सेक्टर में ही है, मैम चले हमको मनाली पहुंचते पहुंचते ना टाइम लग जाएगा, मेरे को लग रहा है अभी दो तीन काम और है और 10-11 बज जाएंगे, और यहाँ देखो कौवे ने क्या कर दिया, कौवे ने पट्टी कर दी, टिश्यू है, अब एक दो काम और भी रह गया हमको, टाइम कितना हुआ पूरा बताना एग्जैक्ट, 2:16, 2:16 हो गए हम 15 सेक्टर से निकल रहे, इसके बाद हम लोगों को जाना है 22 भी जाना है, 35 भी जाना है, 19 भी जाना है, उसके बाद वहां से घर निकलना है। हमने जो 35 सेक्टर में वो वेलकम वाला दिया था ना, वेलकम टू द एंगेजमेंट वाला बोर्ड जो बाहर लगता है, वो भाई ने बोला बन गया है, हमने कहा एक काम करते बन गया है तो खुद ही लेके जाते हैं, क्यों किसी और को भरोसे रहना, क्यों किसी और को मतलब बोलना है, तो खुद ही लेके जाते हैं। बॉक्सेस भी दिए थे ना जो हमने, जो सबको मिठाई वाले बॉक्सेस देने हैं, उस वो मिलेंगे हम लोगों को 9 तारीख को रात को या 10 तारीख को सुबह, वो उसी टाइम लेके जाएंगे। जय माता दी, नमस्ते जी। सेक्टर 22 वाला काम हमारा हो चुका है, अभी हम लोग आगे सेक्टर 35, यहाँ पे हमारा जो काम था वो भी हम करने आगे, हम लोग आगे कहाँ पे अंतर डोनट्स, हम लोग आगे है डोनट्स लेने के लिए ठीक है, घर को पैक करा रहे हैं डोनट्स, और मैंने पता है क्या प्रोटीन भी यहीं से लिया, वो सामने है ना हेल्थ कार्ड वहाँ से लिया, उसके साथ ही हॉल्ट भी है, दोनों जगह मिलते हैं, हॉल्ट तो मैंने अभी देखा उसके 4-5 शॉप छोड़ के आगे है, वहाँ से हम आ रहे थे ना, फिर दिखा मेरे को हॉल्ट और उसके आगे देखा हेल्थ कार्ड, मतलब इस वाले हेल्थ कार्ड से लिया मैंने, और हमने यहीं स्टे किया था ना, यहीं कहीं स्टे किया था हमने, बड़ा सही था। इसके बाद हम लोगों को जाना है 3B2, और उसके बाद वहाँ से निकलना है हम लोगों को खरड़, हाँ हाँ 3B2, फिर वहाँ से खरड़, फिर वहाँ से मतलब वही रास्ता पकड़ के मनाली, और टाइम दिखा दो कितना हो गया है भाई, मजाक नहीं, बड़ा प्यारा कवर है नंता का, देखो ना कितना क्यूट सा है ये, तो कितना क्यूट सा, और यहाँ पे हमारा बच्चा छोटा सा, छोटा नहीं मोटा सा, छोटा सा नहीं है, और 255 हो गया है, और बड़ा प्यारा कवर है, मेरे को भी कवर लेने यार, 22 चले, 22 हमने इसीलिए जाना था कवर लेने हैं, लेकिन 22 गए तो थे अभी हम, शिट रहने दो छोड़ दो, हाँ देखते हैं, घूमने का ही काम है नंता, घर कब जाएंगे हम, तेरा मन कर रहा है घर जाने का, मेरा ही कर रहा है घर जाने का मन यार। फाइनली 4:30 हो गए शायद ना, 4:30 बज गए, 4:30 बजे हम लोग हो चुके हैं 3B2 की मार्केट से फ्री, अब यहाँ से निकलना है हमने मैम, सनबर्न हो गया मेरे को, सनबर्न हो गया, सनबर्न भी जाएंगे हम एक दिन, में मेरी। क्या क्या दिखाऊं, दिखा यहाँ से, दिखा क्या है, क्या? अच्छा बाकी अभी यहाँ से निकल रहे, कुछ खा लेते हमने तो, मैंने और अक्षुन तो सैंडविच खा लिए थे, नंता भूखी है सुबह से लेके, ये जन्मजात भूखी है, बाकी अभी ब्रेक लगने वाली है डायरेक्ट खरड़ में, खरड़ में हमको एक जगह काम है, उसके बाद सीधा घर, लेट हो गया बहुत ज्यादा, देर हो जाएगा घर पहुंचते पहुंचते यार। जिमनी कितनी प्यारी लग रही है देखो, वाह लिफ्ट भी की है, स्पॉइलर वगैरह भी लगाया, सिंपल है और अच्छी लग रही है। चलिए जी सारा काम हो चुका है हमारा और निकल चुके हैं हम लोग अराउंड 4:45,
4:45 हो गया ना और निकल चुके हम लोग, अब बढ़िया एंजॉय करते हुए जाएंगे और आगे कुछ खाएंगे भी कहीं पे रुक के। कुर्राली टोल पे हम लोग पहुंच गए और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल मशीन दिख गई है मेरे को, जो कि अबर्थ, ये देखो भाई, ये है गाड़ी भाई, अल्टीमेट कार, जिसको पता है उसको पता है। ये जो लोगो है ना अबर्थ, इसी की वैल्यू है इस गाड़ी में। इतनी प्यारी लग रही है ना, मेरी नजर ही नहीं हट रही इस गाड़ी से, और ऐसी भगाई हुई है भाई ने, स्मूथली भगा रहा है, कोई खींच नहीं रहा है तगड़े लेवल पे ना, स्मूथली भगा रहा है। और ऐसा नहीं सिर्फ मेरा ही दिल आया हुआ है, क्या रिएक्शन तुम लोगों से चुराना अक्षु है ना, प्यारी है भाई, कोई कोई गाड़ियां इनको पसंद आती है, इसको देख के बोल दिया ना प्यारी है, स्पीड चल रही है यार, और स्मूथली भगा रहा हो देखो भाई, मतलब मेरी 100 की स्पीड है ना, वो मैं 110 चलाऊंगा, 510 भाई साहब। अंकल चला रहा था वो गाड़ी यार, और कितनी स्मूथली भगा रहा था ना, अंकल शौकीन था और स्पेक्स वाला, एज्ड अंकल 50+ थे शायद से, और बढ़िया भगाई थी और स्मूथली एकदम, और इतनी प्यारी रखी हुई थी ना गाड़ी, मेरे को लगता है इनके बेटे की होगी शायद से, नहीं नहीं की थी, मतलब पुरानी तो नहीं यार, तब लॉन्च हुई है 2014-14 ऐसे लॉन्च हुई थी अबर्थ भाई, मजा आ गया इस गाड़ी को देख के यार, दिल आ गया। अब लगाई ना मैंने अपनी ब्राइटनेस वाली गॉगल, मुझे ऐसा लग रहा है फुल कर दिया ब्राइटनेस, गाने बंद करो एक मिनट। अभी तक मैंने नंता की लगाई हुई थी गॉगल्स ना, अंधेरा हो गया था पता है, मेरे ऐसा लग रहा था लाइफ में अंधेरा हो गया है, दिख ही नहीं रहा था कुछ, अब ये लगाई ना, अब पीलापन, ब्राइटनेस बढ़ गई है, अब मैं मतलब अच्छे से चला सकता हूँ, क्योंकि धूप भी ऑलमोस्ट जा रही है ना, और रात को ठीक है ये गॉगल, पता है बढ़िया दिखता है, एनर्जी भी आ गई इस गॉगल को लगाने के साथ, एनर्जी आ गई क्या, हाँ दिख रहा है मेरे को, चलाएगी गाड़ी, चलाओगी गाड़ी, चलाओगी नहीं आती तुम्हें चलानी, क्या जा रहे हैं कहीं, कहाँ जा रहे हैं, ये देख लो ट्रक में बैठ, ये देखो ट्रक में जा रहे हैं सारे बैठ गए, ये बल्ले बल्ले, इतने बढ़िया बढ़िया गाने लगे थे अभी स्टोरीज के लिए बनाया मैंने, जैसे मैंने कहा मेरा ब्लॉग के लिए भी करते छोटे से गाने बंद कर दिए, मैंने बंद नहीं किया, खाना खिलाओ भूख लगती है मेरे को, कुछ और चेंज फील है इन गानों में, फील है यार, जाने में कैसे तेरा हुआ, मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे हाथ तुझको जो पाया गलत, तो जीना आया जो पाया, पहले से ज्यादा मैं जी रहा हूँ। ये पानी की बॉटल दिख रही है आपको भाई, ये बॉटल ना लास्ट टाइम जब हम लोग जिमनी लेके गए थे ना, उस टाइम मैंने मतलब गाड़ी में गर्म थी, मैंने यहाँ निकाल के दे दी थी भाई को, मैं कहा फ्रिज में रख देना यार, और हम सीधे निकल गए होता है, लेकिन देख रही है यही बॉटल है, और ये भाई ने सेम वही बॉटल रखे रवि दी मेरे को, कहते आपकी बॉटल, अच्छा तू दिखा, तू दिखा गाइस, बॉटल को साइड पे रखो ठीक है, इसके नेल्स देखो ठीक है, अच्छे से दिखा ना, देखो इसके नेल्स देखो ठीक है, ओह तू दोनों अपने नेल्स दिखा रही, इनके मेरे नेल्स देखो यार, मेरे बढ़िया देखो, ग्लिटर ग्लिटर, बाकी यहाँ व्लॉग अपलोड हो रहा है, हो गया बॉयज, पेट पूजा हो गई और अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है, एंजॉय करते हैं, आराम आराम से जाएंगे, नंता बोलती है आराम से जाएंगे जल्दी किसी चीज के लिए, घर पे बता दिया है। अभी ना HR नंबर की एक गाड़ी निकली वहाँ जो सुंदरनगर वाला वो नया वाला हाईवे, बिलासपुर वाला हाईवे नया यार, एक तुम्हें एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बिलासपुर में आता है कि सुंदरनगर में आता है, जो उस साइड गया ना जिनको पता प्लीज नाम बताना, उस फोर लेन का क्या है, जहां से शिमला को जाते हैं और लेफ्ट साइड को मनाली को आते हैं, वहां पे ना HR नंबर की गाड़ी स्विफ्ट, 4-5 लड़के उसमें बैठे, आगे नाका लगा हुआ था पुलिस वालों का ना, और वो ड्रिंक एंड ड्राइव का वो चेक कर रहे थे, मेरे को तो दिख गया ठीक है, मैंने पहले स्लो कर दी, वो मेरे बिल्कुल आगे थे, उन्होंने स्लो की, जैसे वो रोकने लगे ना वो भगा के ले गए, पुलिस वाले उनके पीछे पड़े हुए थे, फिर उन्होंने वॉकी में आगे उनकी गाड़ी का नंबर बताया, पकड़ तो लेंगे उनको आगे, फिर मेरी भी टेस्टिंग की दारू की, लेकिन दारू तो भाई हमेशा साफ ही निकलता है ना यार, मेरे को नहीं पता ये जो नया वाला हाईवे ओपन है या बंद है, एक दो गाड़ियां दिखी मेरे को ना, मैंने भी डाल दी, आगे देखते हैं अब जाके, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा रास्ता, काफी गाड़ियां आ रही है परे से और यहाँ से भी चली हुई है काफी गाड़ियां, इसका मतलब ये है रोड थ्रू तो होगा ही, तभी चली हुई है, क्या अब तो रात को तो नहीं करते थ्रू है ना, हो सकता है शायद रात को थ्रू करते होंगे ये रोड, अभी देखते हैं आगे देखते हैं और आपको भी बताते हैं, देखो भरे हुए ट्रक्स चले हुए हैं, भरे हुए ट्रक्स, क्योंकि दिन में तो ये बंद था जब हम उस दिन आए ना, दिन में तो ये बंद था, क्या अब तो रात को खोलते हो, चलो जी डाल दिए मैंने टनल के अंदर गाड़ी, वो भाई रोशनी होगी रोशनी, एक्चुअली ना रात को चली हुई है गाड़ियां यार, कुछ नहीं है,
बैरिकेड लगे होंगे ना कि निकाल दूंगा, अब डाल तो दिए। हाँ सही बात, ग्रीन एयर है मतलब खुली है, लेकिन ये तो चलो वो है, मेरे को लग रहा है रात को आने देते हैं, क्योंकि पीछे ना बैरिकेड्स वगैरह कुछ नहीं लगे थे, जो बैरिकेड्स इन्होंने लगाए हुए थे ना वो हटा दिए थे इस टाइम पे, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। और गाड़ियां काफी चली हुई है, मेरे आगे भी 3-4 चली है, पीछे से भी आ रही है, उस साइड से भी गाड़ियां चली हुई है, दैट मींस कि रात को ओपन है ये, अगर आप रात को ट्रेवल कर रहे हो ना, रात को शायद से ही खोल देते हैं टनल, दिन में लास्ट वैसे न्यूज में आया था दिन में ट्रायल बेस पे, मैंने फिर से पढ़ी हो न्यूज ना, दिन में ट्रायल बेस पे इन्होंने ओपन की थी, वो पूरी तरह से ओपन नहीं की थी, इसीलिए जब हम चंडीगढ़ जा रहे थे वो बंद थी, ये वाली टनल बंद थी उस टाइम पे। हाँ चलिए चलिए, ट्रक भी चला हुआ है आगे। भाई सब कुछ खत्म हो गया, मतलब नेर चौक, गुटकर वगैरह जो से लूणा पानी में बोला था वो, मंडी सब कुछ मतलब कवर, जहाँ पे हमको आधा एक घंटा लगता था 5 मिनट में हम इधर आ गए, भाई टाइम बच गया, यहाँ इस टनल से ना बहुत टाइम बच गया। और एक और चीज़, ये ओपन था अभी रात को, क्योंकि जिस दिन हम जा रहे थे एक वो पुलिस वाली वहाँ बैठी थी, बैरिकेडिंग थी काफ़ी, ठीक है अभी वो बिल्कुल भी नहीं है, रोड थ्रू है, तभी सारे लोग टनल से ही चले हैं, और अंदर साफ है टनल, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सही है, मतलब बन गई है पूरी तरह से। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम चंडीगढ़ 3 घंटे में पहुँच जाएंगे, देखना। कोली टोल प्लाजा पहुंच गए हम लोग, और यार डस्टर की ना सीरियसली बोलूंगा मैं एवरेज बहुत अच्छी है, एक तो डीजल है ना, मतलब ऐसी एवरेज है कि फुल टैंक करो आप चंडीगढ़ जाके घूम फिर के वापस आ सकते हो। कैसी लगी नंता गाड़ी? बढ़िया, बढ़िया। है ना, फैमिली कार, और जल्दी पहुंच गया ना, क्योंकि डस्टर में स्मूथली भी चला रहा हूँ ना, 80-90, 100 चली है, पता भी नहीं चल रहा है, हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, हल्का सा रखा था मैंने 80, और पिकअप जबरदस्त है ना, ये देखो कैसे खींचती है। चलिए जी, नंता और अक्षु को छोड़ दिया मैंने इनके घर, और मैं निकलता हूँ यहाँ से, ठीक है। इन लोगों को छोड़ दिया मैंने, सामान निकाल दिया सारा, और जितना जो मेरा सामान था ना गाड़ी में इस टाइम सिर्फ वही पड़ा है, बाकी इनको ड्रॉप करके मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, लेट्स गो। मैंने डिनर करके निकला हूँ यहाँ से, क्योंकि मम्मी और नंता दोनों मान ही नहीं रहते, कहते डिनर करके जाओ, बनाया हुआ है, घर जाके भी क्या करेगा बोला, 10 बज के घर पहुँचते पहुँचते 10:30-11 तो बज जाएंगे मेरे को मिनिमम, तो डिनर कर लिया, अब आराम से इंजॉय करते हुए घर चलते हैं। और कबीर भी आ रहा है, कबीर रास्ते में मिलने वाला है, उसके पास मेरा सामान है और मेरे पास उसका सामान है, बैग। कबीर मिल गया, ऐसा उड़ता हुआ चला हुआ था ना, डिपर मार दिया मैंने इसको, एंड कैच फैक्ट्री के पास मिल गया मेरे को। और फिर बॉय हाउ आर यू, कैसा है? बढ़िया बढ़िया, थक गया मैं। ये जिमनी बिल्कुल डिफरेंट लग रही है आज, क्यों, क्या कराया ऐसा? कुछ भी नहीं भाई, गंदी रखी है पूरी। अच्छा, लाइट्स अपग्रेड कराई है, नाइस। बाकी यार कबीर से ना मेरे को काम था थोड़ा, मैंने कहा जा भी अभी चंडीगढ़ भी निकल रहा है, ले से आया, मैंने कहा मिलके ही जाते हैं। कबीर ने कुछ भी बोलो, बढ़िया लाइटें लगा दिया, ठीक है चलो मिलते हैं भाई जी। आ रहा है एंगेजमेंट में कि नहीं? कोशिश तो करूंगा भाई, सारे कोशिश ही करेंगे, सबको बोल रहा हूँ, सब यही बोल रहे हैं कोशिश करूंगा। ट्रिप नहीं होता ना भाई तो पक्का आता, चल देखते हैं मिलते हैं, ठीक है गाइस। नाका लगा हुआ है देखो, टेस्टिंग हो रही है दारू की। भाई अभी आगे फॉर्च्यूनर वाले चले, ठीक है उनको रोका इन्होंने, उससे आगे एक दो गाड़ियों ने लगाई हुई थी जिन्होंने दारू पी हुई थी, फॉर्च्यूनर वालों को भी रोका इन्होंने, और उसके बाद क्या हुआ इनकी ना मशीन शायद से इन्होंने कुछ जो जिसमें फूक मारते ना वो चेंज करना होगा। भाई मैं निकले वो निकल सकता था, मैं एक मिनट तक इनके पास ही बैठा हूँ खुद, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा चेक करो, शीशा नीचे करके इनके पास बैठा हूँ मैं, ना इन्होंने चेक किया ना कुछ, मेरे को देख रहे, कहते जाओ 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 आप क्यों रुके हो बोला, मैं कह ये बढ़िया है भाई, मेरे को लगा था करेंगे तो करेंगे लेकिन चेक नहीं किया, कहते निकलो। हाँ जी मिशी, कैसे पता चल गया मैं आ गया हूँ? कैसे पता चल गया मैं आ गया हूँ? गाड़ी से उतरा ही था मैं, ऐसे ही पीछे भागते हुए ना जम मार रही मेरे ऊपर, चलो सामान निकाल देते सारा यार। घर पहुंच गया और गाड़ी लगाने की ना कहीं पे भी जगह नहीं थी, तो अभी पार्किंग में यहाँ पे ब्रिग होटल की पार्किंग में डाल दी मैंने गाड़ी, ठीक है आज के लिए खाली थी एक्चुअली, जब खाली होती है ना पड़ोसी है मेरे तो मैं यहीं पे गाड़ी लगा देता हूँ अंदर ही, सेफ भी रहती है यहाँ पे थोड़ी सी। बाकी पापा आ गए थे अभी ना मिश्का को, एक्चुअली मैं भी सोचूं मिश्का एकदम कहाँ से आई, पापा आए अभी ना क्योंकि बैग्स बहुत थे तो इंपॉर्टेंट वाले थे छोटे वाले हो ना वो पापा लेके, क्योंकि नाजुक थे, बड़े बड़े बैग्स 3-4 पीछे डिक्की में भी एक है वो मैं लेके चला जाऊंगा। बाकी काम करते हैं व्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना सब्सक्राइब करना चैनल को, और एंगेजमेंट की तैयारियां हो गई है, कल क्या होगा कल आपको दिखाते हैं, ठीक है आज के ब्लॉग में एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। मिश्का वेट कर रही है और सामने मेरा, मेरे को देख रही है तब से लेके।